21वीं सदी को भारत के नाम करने के लिए मोदी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। बुलेट ट्रेन के लिए भारत में दो रूट प्रस्तावित हैं, जिस पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार जानती है कि सिर्फ बुलेट ट्रेन से ही भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत नहीं बन सकता, इसलिए बुलेट ट्रेन के साथ मैगलेव ट्रेन प्रोजेक्ट बनाने की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। क्या है मैगलेव ट्रेन? बुलेट ट्रेन के नाम से जहां अधिकांश लोग परिचित हैं, वहीं मैगलेव ट्रेन के बारे में काफी कम लोगों को जानकारी है। आपको बता दें कि मैगलेव ट्रेन मैग्नेटिक ट्रेन का शॉर्ट नाम है। ट्रेन चुंबकीय तरंगों की वजह से जमीन के ऊपर चलती है। ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि खराब मौसम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ट्रेन 500 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। कैसे आएगी मैगलेव ट्रेन? फिलहाल रेलवे के लिए संभव नहीं है कि वो अपने बूते मैगलेव ट्रेन का खर्चा उठा सके, इसलिए इस प्रोजेक्ट को PPP मॉडल के तहत बनाने की प्लानिंग की जा रही है। इंडियन रेलवे के एक सीनियर अफसर ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि रेलवे के फाइनेंस डिपार्टमेंट को इस बारे में औपचारिक प्रस्ताव मिला है। प्रस्ताव में कहा गया है कि देश में मैगलेव ट्रेन चलाने के लिए मोटी रकम खर्च होगी और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP से बनाया जा सकता है। इससे रेलवे को प्रोजेक्ट पर मोटी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, पर रेलवे इसके लिए कुछ रकम और जमीन आदि जरूर उपलब्ध करा सकता है। किन रूटों पर चलेगी मैगलेव ट्रेन? मैगलेव ट्रेन का प्रयोग लंबी दूरी के लिए किया जाएगा। PM मोदी कई बार देश के चारों कोनों को तेज रफ्तार ट्रेन से जोड़ने की बात कह चुके हैं। मैगलेव ट्रेन चलाने के लिए दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से चेन्नई जैसे रूटों पर विचार किया जा सकता है। एक ही रूट पर ट्रैक तैयार होने के बाद कई शहरों के लिए ट्रेनें चलाई जा सकेंगी, ताकि मैगलेव ट्रेन को भारी संख्या में पैसेंजर मिले। इससे किराया ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 2 से 3 दिन तक चलने वाली यात्राएं एक दिन में ही खत्म हो सकेंगी। NMF News की रिपोर्ट।